माँ केसर, आज सबको मुझसे यही उम्मीद है कि एक सास के रूप में मैं तुझे सलाह दूं कि कभी कभी हार में ही जीत छुपी होती है, समझौता कर ले। नहीं, एक सास के रूप में भी मैं अपनी बहू को वही सलाह दूंगी जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। किसर, बेटा जो भी तुझसे नाराज है या तो उनकी बात मान जा या अपनी बात उनसे मनवा ले। अगर तू सही के लिए लड़ी है तो साबित कर कि तू सही क्यों है। अम्मे माँ, हम बहुत जल्द आपके आने की खुशियाँ मनाएंगे। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप मुझे शक्ति दीजिए। मेरी मासू ने मुझे हमेशा अपने छाव में सुरक्षित रखा है और आज भी वो सबके सामने टटकर खड़ी है मेरे लिए। इसलिए मुझे खुद को सही साबित करना ही पड़ेगा ताकि दर्शन अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाए, हमारा पूरा परिवार साथ आ पाए और मेरी मासू सही साबित हो पाए। मेरी रक्षा कीजिए अम्बे माँ, अपना आशीर्वाद दीजिए। जब तक अपने अंदर का सुर नहीं साधेगा धुन कैसे बनेगा। पैसों की जुबान छोड़ के संगीत की जुबान में कब से बात करने लग गई अम्मा। लल्ला, हम पैसों के ही गाना नहीं गाते हैं, हम अपने लल्ला को लोरी भी सुनाते हैं। आखिर हूँ तो तेरी मैं अम्मा। देख रहे अम्मा, आजकल हमारी अम्मा होने का रोल बहुत अच्छे से निभा रही हो। तो तू भी सीख, तू भी दोस्त होने का रोल अच्छे से निभा। क्या? अरे बुर्बा, केसर की बात कर रही हूँ। राजगुरु निवास में कितना सारा हंगामा हो रहा है, हमें सब पता है। बेचारी केसर कितना परेशान है, अभी तो उसे बहुत लड़ाई लड़नी है। लल्ला, ए लल्ला, अरे मार नहीं रहे, बता रहे, सुन ना मेरी बात। जैसे कान्हा ने सारथी बनके अर्जुन को रास्ता दिखाया था ना, तू भी केसर का सारथी बन जा, तू भी जिता दे उसे महाभारत। हाँ लल्ला, बात तो सही कह रही हो अम्मा आप। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।